ये मड मिक्सचर मशीन पग मिल जी इसका नाम है। बिल्कुल, ये हम लोग भट्ठे पे सप्लाई दे रहे हैं और ये मशीन पंजाब की बनी हुई मशीन है। तो भट्ठे वाले लोग हैं, उनकी लेबर बच रही है और ईंट की अच्छी क्वालिटी बन रही है जी। और जो भट्ठे का जिग जैक हाई ड्राफ भट्ठा बन रहा है, इस वजह से लोगों को ज्यादा 12-12, 15-15 लाख का चक्कर है। इसलिए ये लेबरों से मिट्टी उतनी बढ़िया नहीं बन पाती ना, ज्यादा दे पाते हैं। इसलिए इस मशीन ये वरदान साबित हो रही है। 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में भी ये चल जाएगी। अच्छा अच्छा जी, गाड़ी पे कम लोड पड़ती है इस पे। और ये जो बेल्ट लगा हुआ है ये मतलब कैसे क्या काम करता है? ये बेल्ट जब इस पे पीटीओ लगा देंगे, पीटीओ अपने ऊपर से लगेगी और बेल्ट लगा देंगे ट्रैक्टर में, ये पीटीओ लगा देंगे, इसके बाद ये काम करना शुरू करती है। उसमें मिट्टी जेसीबी से डाली जाती है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको चढ़ के सफाई करने के लिए है। अच्छा अच्छा। इसमें देखिए टायर देंगे, दो टायर लगे हैं, एक एक टायर और रखे हुए हैं, वो चार टायर इसके साथ हैं। अच्छा। ये देखिए चैम्बर है, ये इसमें मिट्टी आती है, गीली मिट्टी इसमें भरते हैं और ये बर्म है, ये मिट्टी की पेराई करता है। ये कार्बन स्टील अच्छा बर्म बना हुआ है जो चलता है और सीएनसी कटर से कटा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है स्वयं चौबे। आज मैं आप लोग को फिर से लेकर आ गया हूँ यूपी के गोरखपुर से 35 किलोमीटर दूर सिकरीगंज में, और आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर शुभम एग्रो एजेंसी। ठीक है, मैं आप लोग को इनके यहाँ विजिट कराया हूँ और आप लोग जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आप सभी लोग को कृषि यंत्र से रिलेटेड ऑल टू ऑल मशीन देखने को मिलता है। ठीक है, रोटिवेटर हुआ, कल्टीवेटर हुआ, भूसा बनाने की मशीन हुआ, मड मिक्सर मशीन हुआ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं, उस पर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इनके यहाँ आना, कृषि यंत्र से रिलेटेड किसी भी यंत्र को परचेस करना, तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर, ठीक है, ऑल टू ऑल स्पेयर पार्ट भी देखने को मिलता है, हम लोग उसको भी देखेंगे, जानेंगे। तो आइए यहाँ के जो सर हैं, आनर हैं, उनसे चलेंगे, बात करेंगे कौन कौन सा मशीन अवेलेबल आप सभी को मिलता है देखने को, सब कुछ जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुभम एग्रो एजेंसी से यहाँ के जो ऑनर हैं, सर हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपको नमस्कार। उपेंद्र तिवारी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं मड मिल मिक्सचर मशीन के बारे में। ठीक है जी सर, हमारे ये हम बेचते हैं ए टू जेड भट्ठा सोल्यूशन। जी जी। हम इस समय ये मड मिक्सचर मशीन पग मिल जी इसका नाम है। बिल्कुल, ये हम लोग भट्ठे पे सप्लाई दे रहे हैं और ये मशीन पंजाब की बनी हुई मशीन है। जी जी। तो भट्ठे वाले लोग हैं, उनकी लेबर बच रही है और ईंट की अच्छी क्वालिटी बन रही है जी। और जो भट्ठे का जिग जैक हाई ड्राफ भट्ठा बन रहा है, इस वजह से लोगों को ज्यादा 12-12, 15-15 लाख का चक्कर है। इसलिए ये लेबरों से मिट्टी उतनी बढ़िया नहीं बन पाती ना, ज्यादा दे पाते हैं। बिल्कुल। इसलिए इस मशीन ये वरदान साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बात करते हैं फर्म का, तो आपका फर्म कहाँ कहाँ पर है? हमारी फर्म सर ये सिकरीगंज है, शुभम एग्रो एजेंसी बढ़लगंज है, शुभम एग्रो सेंटर, बाकी अपना मऊ बलिया ये सब ब्रांच हैं। अच्छा। बाकी यहाँ से ये मशीन हम यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में बेचते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, खुद हमारे लोग हैं, जाते हैं, मिलके उसका सलूशन देते हैं। अच्छा अच्छा। और कृषि यंत्र में बात करें तो कौन कौन सा मशीन? कृषि यंत्र में हमारे पास बलकार हार्वेस्टर है, गुरबाज भूसा मशीन है, मड लोडर है परविंद्रा, उसके बाद आपका रोटावेटर है, सुपर सीडर है, सितारा कुट्टा मशीन है, ये हैरो है डिलक्स का जी, थ्रेसर है गोल्डन पंजाब, पैडी थ्रेसर, ये नाना प्रकार के जितने भी कृषि यंत्र हैं, लोडर है जी, रामगढ़िया लोडर है, और ये जेसीबी का पिछला हिस्सा है वो आपका, वो भी मिलेगा आपको। अच्छा। और एक्सावेटर। अच्छा। और ईंट भट्ठे से रिलेटेड क्या क्या रखना है? ईंट भट्ठे से रिलेशन में आपको ये देखिए ये मशीन है, ये पगविल मड मिक्सचर मशीन, इसके बाद आपको इसकी संट मिल जाएगी, फाइबर की बनती है, कोयला तोड़ने की मशीन मिल जाएगी, ईंट को तोड़ने वाली मिल जाएगी जो रोरी बनाती है, उसके बाद आपको इसकी टोपी और मोहरी मिल जाएगी जो आग निकलती है उसमें कोयला डालते हैं जिस रास्ते से, बेलचा मिल जाएगा, कुंडी मिल जाएगी इसकी, डिजिटल मीटर मिल जाएगा इसका, सारी चीजें मिल जाएंगी इसकी। और स्पेयर पार्ट से रिलेटेड क्या क्या? इसके सारे स्पेयर भी उपलब्ध हैं, कंबाइन के टोटल स्पेयर सारी कंबाइनों के, बलकार के अलावा भी अन्य किसी कंपनी की कंबाइन हो उसका भी स्पेयर हम लोग बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। ठीक है, तो यहाँ के एड्रेस बताते हुए चलिए कि ये जो आपका सिकरीगंज में कहाँ पड़ने वाला है? सिकरीगंज ये पड़ेगा आपको गोरखपुर से
35 किलोमीटर दूर है जी। ये गोला रोड बड़हलगंज रोड पे है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा एंटर देखिए, वॉच करिए। आज की इस वीडियो में हम लोग ठीक है यह जो मशीन है पूरा डिटेल में इसका रिव्यू करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये जो मशीन है कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सर जानते हैं कि ये जो मशीन है कैसे काम करता है और इस मशीन के अंदर क्या क्या फीचर्स दिया गया है, बताते हुए चलिए। जी सर, ये मशीन का फीचर ये है कि मिट्टी को फेरती है ये, कम से कम पावर ट्रैक्टर में चल जाएगी, 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में भी ये चल जाएगी। अच्छा अच्छा जी, गाड़ी पे कम लोड पड़ती है इस पे। और ये जो बेल्ट लगा हुआ है ये मतलब कैसे क्या काम करता है? ये बेल्ट जब इस पे पीटीओ लगा देंगे, पीटीओ अपने ऊपर से लगेगी और बेल्ट लगा देंगे ट्रैक्टर में, ये पीटीओ लगा देंगे, इसके बाद ये काम करना शुरू करती है। उसमें मिट्टी जेसीबी से डाली जाती है। अच्छा अच्छा, और इसके बाद यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको चढ़ के सफाई करने के लिए है। अच्छा अच्छा, इसमें देखिए टायर देंगे, दो टायर लगे हैं, एक एक टायर और रखे हुए हैं, वो चार टायर इसके साथ हैं। अच्छा, उपलब्ध। और जो चेचिस की बात करते हैं तो जो मजबूती होती है चेचिस है भी, चेचिस है, यानी कि डबल प्लेट की चेचिस, पीछे भी चेचिस प्लेट लगा हुआ है, हैवी चेचिस है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी, और इधर से पेरती हुई मिट्टी आती है, यहाँ से नीचे से गिरा देती है। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे स्लाइडिंग लगी हुई है कम ज्यादा करने के लिए भी, मिट्टी या बैरिंग है दोनों तरफ, यही बैरिंग लगती है। अच्छा अच्छा, ये छर्रे वाली बैरिंग रोलर बैरिंग है। अच्छा अच्छा, बैरिंग का काम क्या होता है इसमें? ये बैरिंग हैवी बैरिंग है, वैसे चाइना की बैरिंग लोग लगाते हैं जो यूसी बैरिंग कहते हैं, लेकिन इसमें छर्रे वाली बैरिंग लगती है। अच्छा, ये एक बार ग्रीस डालिए 6 महीने में, उसमें तो रोज ग्रीस डालना पड़ता है जी। ये मजबूत रहती है, चलती भी ज्यादा है, हैवी रहती है ये। अच्छा, जो हम लोग मिट्टी में जो मिट्टी को पीसने के लिए जो कटर का यूज करते हैं वो कार्बन स्टील का हमारा वो बरम लगा हुआ है और 90 mm का उसका साफ लगा हुआ है और अंदर में यहाँ पे देखिये एक बूस लगा हुआ है, प्लेट के बाद भी हमने बूस लगाया है, दोनों तरफ लगाए हैं। चूंकि ये साफ्ट के अलावा ये प्लेट कट जाता है तो ये कट के गारा बाहर निकलने लगता है, गारा बाहर नहीं निकलेगा जी। बात करते हैं इसमें हम लोग मिट्टी लोड करते हैं जी, मतलब कितना? वो 2500 कैपेसिटी की मिट्टी है सर, इसमें 2500 ईंट की मिट्टी इसमें लोड हो जाती है। अच्छा अच्छा जी, तो एक बार दिखा रहे हैं वो मशीन का वर्कआउट आप लोग को पूरा घुमा के दिखा रहे हैं कि आप लोग का जो मशीन है कैसे काम करता है, वर्क कर रहा है, बताते हुए चल रहे हैं। बाकी सर और क्या कहना चाहिए? ये पंजाब की बनी मशीन है जी, अपनी गुरदीप कंपनी की है, अच्छी मशीन है जी, बहुत चलती है, यहाँ पे काफी मशीन बेची गई है जी जी, और लोग संतुष्ट भी हैं इस मशीन से। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा, और कम लोड पे चलती है इसलिए गारा अच्छा बनाती है, लोड भी कम लेती है ये। अच्छा अच्छा, कम से कम पावर में भी चल जाती है। और जो मिट्टी का क्वालिटी होता है तो उसमें कई क्वालिटी बहुत बहुत मक्खन जैसी मिट्टी बनाती है ये। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इसका जो बरम है एक बरम से दूसरे बरम की दूरी बहुत दूर नहीं है, रगड़ के चलती है। अच्छा अच्छा, डिग्री में कटा हुआ बरम है और इसका जो भी बरम है सारा सीएनसी कटर से कटा हुआ है जी, गैस कटर से नहीं काटते हैं। हाँ, क्वालिटी अच्छी है, एक ब्रांड है ये। बाकी लोग तो कहीं बनाने लगते हैं, जैसे ट्रॉली कहीं बना दिया, लेकिन ये ब्रांड है, ये कंपनी है, इसलिए ये अच्छी चीज बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज नॉर्मल नहीं लगती, चद्दर लगी हुई है टाटा की लगी है। अच्छा अच्छा, 4.5 mm की चद्दर लगी है टाटा की, इसमें धूरा लगा है टाटा का 105 mm का, ये हब लगा हुआ है स्टील का, 683 नंबर बैरिंग पड़ती है, ये सारी क्वालिटी है। हाँ हाँ, सारी चीजें हैं ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप लोग पूरा मशीन को देख पा रहे हैं, पूरा एक एक करके आपको सर बता रहे हैं, ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। सर कितने कितने एचपी पे, मतलब कितने कितने हम लोग हॉर्स पावर पे इसको यूज कर सकते हैं? ये 35 से लेके 45 तक हमको बहुत है, लेकिन अगर आपके पास 50-60 भी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर पावर ज्यादा है तो अच्छा है। कम पावर की ट्रैक्टर पे लोग नहीं चला पाते हैं, ज्यादा पावर तो अपने पास पड़ा रहेगा, और किसी भी ट्रैक्टर से जब ज्यादा पावर से चलाएंगे तो ओवरलोड नहीं होगी, डीजल कम वैसे भी खाएगी, जब हमारी कम पे डीजल उठा रही है तो उसमें ओवरलोड होने से डीजल उठाती है, इसलिए 10 हॉर्स पावर कम लोड लेती है किसी भी मशीन के द्वारा। साइड में प्लेटफॉर्म सफाई के लिए लगा रहता है, ये पूरी चैनल सपोर्ट में दिए गए, हैवी ड्यूटी सपोर्ट है। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल। तो जो हम लोग का ऊपर हापर दिया गया है, हाँ वो बरम, तो चलते थोड़ा उसको भी देखते हैं। ये देखिए चैम्बर है ये, इसमें मिट्टी आती है, गीली मिट्टी इसमें भरते हैं और ये बरम है, ये मिट्टी की पेराई करता है। अच्छा, ये कार्बन स्टील अच्छा बरम बना हुआ है जो चलता है और सीएनसी कटर से कटा हुआ है ये, और ये बरम ये पाइप के अंदर है, 12-14 इंची पाइप होती है, उसके अंदर ये काफी रगड़ाई करते हुए मिट्टी जाता है ये।
इस मिट्टी में ढोका हुआ नहीं निकलता है, मलाई जैसी मिट्टी निकलती है पूरी जी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने ठीक है पूरा मशीन को देखा, जाना कि ये जो मशीन है कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, जो मिट्टी है हम लोग का कैसे पिसाता है। हम सर बात करते हैं कि जब हम लोग का मिट्टी पिसा जाता है तो एक बार में कितना ईंट को तैयार करता है? जी एक बार में ये 2500 ईंट को तैयार करती है एक बार मिट्टी डालने पे। और अगर आप के लेबर हैं मतलब 40-50 लेबर भी इसको एक दिन में 50,000 ईंट बना सकते हैं। ये मिट्टी 50,000 ईंट तक की मिट्टी अकेले दे देगी, 40-50 के लगभग, जैसा कम ज्यादा हो, काम दूरी हो, फर की दूरी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 50 दे देगी। तो एक दिन में 50,000 ईंट बनाने की इसकी कैपेसिटी है। अगर लेबर से बनाएंगे तो वही 25-30 हो जाएगी, लेकिन मशीन लगा करके डबल हो जाती है। अच्छा अच्छा, उतने ही लेबर से और मशीन का इस्तेमाल करेंगे हमारी डबल की पथाई हो जाती है। अच्छा अच्छा जी, कम समय में अधिक काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये संट है, ये भट्ठे में यूज होता है आग को रोकने के लिए जी। इसको चाबी भी बोलते हैं, कहीं संट भी बोलते हैं, फाइबर का बना हुआ है ये जी जी। ये लोहे में भी बनता है मगर हम फाइबर वाला बेचते हैं, और ये फाइबर में जैसे आग वगैरह कम वो करती है और काफी समय तक चलता है ये। अच्छा अच्छा, एक संट अगर रख रखा हो तो 5 साल भी चल जाता है। सर ये जो संट है क्या आप उस मशीन के साथ देने वाले हैं क्या? नहीं, ये जिसको जरूरत हो अलग से है। अच्छा अच्छा, हर भट्ठे के लोग नहीं लेते हैं। आज की जो नई टेक्नोलॉजी सरकार की तरफ से भी वो आदेश है कि सभी लोग हाई ड्राफ्ट भट्ठे बनावे, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए हाई ड्राफ्ट भट्ठे का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की तरफ से 25 लाख डेट दिया गया था, पहले 24 दिया गया, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, 22, 23, 24 और 25 लाख दे दिया गया है। तब तक सारे लोगों को भट्ठे अपने हाई ड्राफ्ट या जिग जैग बना लेने हैं ताकि प्रदूषण ना फैले, प्रदूषण कम फैले। इसलिए जब वो बड़े भट्ठे बड़े बनेंगे तो उसमें चौड़ाई बढ़ेगी उसकी, और ये संट का भी इस्तेमाल होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं सर का जो गोदाम एरिया है यहाँ पर ठीक है स्टॉक करके मशीन रखा गया है। कौन कौन सा मशीन अभी अवेलेबल है सर हमारे पास? सर ये देखिए ट्रैक्टर से चलने वाला हैरो है जी, उसके बाद ये सुपर सीडर है, उसके बाद ये अपना कुट्टा मशीन है सितारा की जी, ये गोल्डन पंजाब डिलक्स का थ्रेशर है, दोनों थ्रेशर बेचते हैं जी। बाकी कृषि यंत्रों में देखिए स्प्रे पंप है जी, छिड़काव के लिए स्प्रे पंप आई है, ट्रैक्टर से चलती है, इसमें 500 से 1000 फीट की पाइप मिलती है जी। और इसमें खाद का इस्तेमाल कम किया जाए, जैसे नैनो यूरिया के बारे में सरकार का जोर है तो स्प्रे पंप से किया जाएगा, खाद भी कम होगी, 500 लीटर की टंकी है वो ट्रैक्टर से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पीठ पे डालने वाली व्यवस्थाएं धीरे धीरे कम हो रही है, लेबर वैसे भी नहीं मिलते हैं। अच्छा अच्छा जी ठीक है।